प्रैक्टिस नहीं इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी हाँ यार, तो अगर आप मुझे डेली देखते रहे ना तो आपको एक डिफरेंस पता लग गया होगा यार, कुछ चेंजेस आई हैं मुझ में। वैसे तो ये चेंज था, नोट कर रहे होंगे तो पता लग गया होगा। खैर यार, अभी जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करने लगता हूँ कोई ना कोई इशू आ जाता है। अभी ये पीछे टक 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 ये वेंडर आया हुआ है। वेंडर नहीं यार, जाता तुम अंग्रेजी ना मारो यार, ये रेडी वाला आया हुआ है, पता नहीं आम वाला कौन सा। तो अभी एक मैं ब्लॉग पीछे अपलोड कर रहा हूँ और एक शूट कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, क्योंकि आज हमारा एक मैच है। वैसे हमारी कुछ प्रैक्टिस नहीं है, हमें एक मैच की कॉल हुई और हमने मैच की कॉल एक्सेप्ट कर लिया। तो आज हमारा 5 बजे मैच है, अभी 3:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर में मेरे पास दोस्त आ जाएंगे। ये मेरे पास एक मेहमान भी आई हुई है, इशार नाम है, यही वाले ब्लॉग में भी आई थी। ये बड़ा तंग करती है मुझे, मैं एडिट कर रहा होता हूँ, मुझे कार्टून लगा के दो, हर वक्त तंग कर रही होती। वैसे तो बड़ी जुबान चलती है, चलती है ना, तो चलाओ ना, अभी भी चलाओ ना। क्यों? मुझे क्यों तंग करती हो? वो तो करना ही कहना, क्यों तंग करना है? क्या तुम्हें मैं बोलता हूँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं काम करने देती? वैसे ही यार, अभी मैं इरफान जुनेजा का व्लॉग देख रहा था तो कहती है कि आप दोस्त है। मैंने कहा हाँ, कहती है लगता तो नहीं है। अनी कहती है, अनी दिया है मजाक है। जब आपके घर मेहमान आए हो ना तो आपके घर वाले घर पे नहीं होते हैं। तो मुझे अभी काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैं इतना तो हूँ नहीं कि मैं तंदूर पे जा कर रोटी उठा के लेके आऊँ। तो मैं बस गया हूँ शॉप पे, लेके ले आऊँ, बस हल्का फुल्का पेट भरूँगा। फिर जब मेरे दोस्त आ जाएंगे, मैच खेलने जाऊँगा, तो वहाँ से कुछ खा लूँगा, फिर यही खाओ यार। यार अभी हम लोग आ गए, हमारा मैच है आज। मेरे साथ रेहान है और ज़ीशान है। अब मैंने और मेरी और ज़ीशान की तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी मेरी और ज़ीशान की तो ज़रा भी प्रैक्टिस नहीं है। रेहान गेम खेलता रहता है, अब हमसे उम्मीद ना रखना मैच में कोई भी। यार अभी का सीन ये है कि हम लोग सारी टीम मौजूद है, हमारा एक है शिट प्लेयर ज़ेफ़ा जो है वो हमारे साथ तो आया नहीं है, वो ड्रामे लगा रहे, कहते हैं वैसे चलने नहीं होता, आया ही नहीं है वो। तभी ये है कि यार मैंने दिन का खाना नहीं खाया हुआ था, तभी मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। आई अब ओनली 45 रुपीज़, तो अभी देखेंगे 45 रुपीज़ का क्या मिलता है। 50 रुपये होते तो बंदा अंडे वाला बर्गर खा लेता है, लेकिन मेरे पास 45 रुपये हैं। मैंने उधार भी नहीं लेना। नहीं नहीं, मैंने उधार भी नहीं लेना भाई। ब्लॉग माशा नज़र नहीं आ रही, आज मैं बहुत प्यार होगी, मुझे लड़कियों की नज़र लग जाएगी। पराठा कितने का यार? पराठा कितने का है? 25। अच्छा है, 25। 45 की नहीं लगाते? 45 की मेरे पास। 45 दो पराठे नहीं और दो चाय। अमीर बंदे हो दुनिया के, तुम सबसे यार ये लड़का भागा हुआ था, काफ़ी देर से सवाल करा रहा था। वो देखो असल भाई आ रहे हैं, देखो भाग रहे हैं। कहते हैं देखो असल भाई पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, वो बहुत हो जाएंगे। यार हम तो वैसे आ रहे थे, नहीं बना रहे यार। वो आए ये लड़का, मैं घर आया हूँ। और अभी का यार सीन पता है क्या हुआ है? हमारा मैच था बेस्ट ऑफ 3 का, और फाहद
वो अभी व्लॉग पे नहीं आया, मैं कभी व्लॉग में डालूंगा। उसने वैसे आके उसने कहा कि यार बर्गर बर्गर लगाते हैं, ठीक है। बर्गर बर्गर लगा के वो चला गया, हम 2-0 स्कोर था। उन्होंने तो मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन यार मेरी आदत यह है कि अगर डील हुई है ना तो बस वो पूरा कर दें। तो अभी मैं जाऊंगा, यहाँ से जाना है मैंने बर्गर देने हैं, वहाँ पे पांच बर्गर थे, पांच बर्गर उनको खिलाऊंगा। वहाँ से जाना है रेहान लोग की तरफ, रेहान लोग की ड्रॉप करके आऊँगा, फिर मिलता हूँ। मैंने एक और मेरा प्लान है। तो आज व्लॉग के मैं 2 दिन बाद बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यार घर में थोड़े से मेहमान आए हैं तो मुझे स्पेस मिल रही नहीं है व्लॉग बनाने के लिए। तो खैर अभी जब मैं छोड़ने गया तो उधर से एक थोड़ा सा मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था कि यार मेरा बाइक का थोड़ा सा बैलेंस ख़राब हुआ और मैं जाके एक जगह पर लगा और मेरे नए शूज़ ख़राब हो गए। नए शूज़ का तो दुख बहुत है यार, लेकिन खैर अब सीन ये है कि कुछ सीन नहीं है यार। ओके अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Hold.